हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में, जिसका नाम है लिव लव राइट, और मैं हूं आपका होस्ट अंकुश। तो गाइस, काफ़ी टाइम के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूं, और वीडियो बनाने का मेन मोटिव क्या है, आपने थंबनेल चेक कर लिया है। तो गाइस, बहुत अच्छा हेलमेट है जो मुझे स्टीलवर्ड की तरफ से आज मिला है, तो आज उसी हेलमेट की मैं वीडियो बनाने वाला हूं, और आपके साथ उसके जो भी फीचर्स हैं, उसका प्राइस है, जो उसकी अवेलेबिलिटी है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए सबसे पहले हम बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं कि हमें हेलमेट के साथ और चीज़ें क्या मिलती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये है वो बॉक्स जिसको मैं पहले ही अनबॉक्स कर चुका हूँ। तो सबसे पहले जब हम अपने इस बॉक्स को खोलते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है ये। तो ये क्या चीज़ है, पहले मैं आपको खोल के बता देता हूँ। ये है गाइस एक्स्ट्रा पैडिंग। मैंने आज तक बहुत हेलमेट यूज़ किए हैं, लेकिन किसी के साथ भी आपको एक्स्ट्रा पैडिंग नहीं मिलती, जो कि आपको स्टीलवर्ड प्रोवाइड करवा रहा है, जो आप अपनी हेलमेट के पीछे लगा सकते हैं, जो आपकी बैक की कुशनिंग के लिए रहता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, साथ में भी फ्री मिल रहा है, तो इसको साइड में रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारी है ये हेलमेट, जो कि बहुत यूनिक है, कलर स्कीम बहुत अच्छी है, और हेलमेट बहुत अच्छा है गाइस। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने स्टीलवर्ड के हेलमेट बहुत टाइम से मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत टाइम से मैंने स्टीलवर्ड के हेलमेट देखे हैं, लेकिन गाइस जो अभी ये सीरीज़ आ रही है स्टीलवर्ड की, A1 क्वालिटी, कलर स्कीम, कलर कॉम्बिनेशन और फीचर्स बहुत अच्छे अच्छे स्टीलवर्ड अपने हेलमेट्स में दे रहा है। तो चलिए इसको मैं अनरैप करता हूँ। तो ये देखिए गाइस, तो गाइस ये जो मॉडल है, स्पेसिफिक मॉडल, इसका नाम है SBH40 मांबा। ये आपको मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज साइज में अवेलेबल है। तो चलिए इस हेलमेट के बारे में आपको कुछ डिटेल में बताता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले चलो हम इसकी प्रोटेक्शन फिल्म इसको रिमूव करते हैं। ये देखिए, तो ये निकल गई, इसको साइड कर देते हैं। और गाइस, इसके साथ में हमें मिलता है साथ में अंदर इसके ड्यूल वाइज़र, तो इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। खुल जा भाई। ये तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका टिंटेड है, जो सनलाइट में आप इसको इजीली पहन सकते हो, और ये बाहर का जो आपका क्लियर वाइजर है। तो गाइस, इसके साथ आपको ये जो टिंटेड सनग्लास, जो भी आप बोल सकते हैं, सेकंड वाइजर, और साथ में साथ ये देखिए, यहाँ सामने आप देख सकते हो नोज़ प्रोटेक्टर है, और आपका क्विक रिलीज, ये बक्कल यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ में जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो ये है, ये आप देख सकते हैं चिन गार्ड। ये आपके बहुत प्रीमियम हेलमेट्स में मिलता है आपका, लेकिन स्टीलवर्ड ने भी इसको अपने हेलमेट्स में देना चालू कर दिया है। तो गाइज, एक बार ये आप इसका क्लोजअप देख लीजिए। तो ये देख सकते हैं इसकी साइड प्रोफाइल, ये पीछे लिखा हुआ इसका जो मॉडल है एरोनॉटिक्स स्टील ISI मार्क है, और इसका जो वेट है 1400 ग्राम हेलमेट का वेट है। ये इसकी राइट साइड प्रोफाइल, और ये इसका फ्रंट है। गाइस, जो यूट्यूबर्स हैं, जो मोटो व्लॉगर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पे अपना हेलमेट माउंट कर सकते हैं। यहाँ पे गोप्रो का भी जो भी माउंट आता है इजीली लग जाएगा, तो इसके ऊपर भी हम वो माउंट लगाएंगे, जिसकी वीडियो आपको कुछ टाइम में मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको वेंट्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको वेंट्स मिलते हैं, ये है इनटेक के लिए, और ये एयर यहाँ से बाहर निकलने के, दैट्स मीन कि इसका जो अंदर एयर फ्लो है बहुत अच्छा होने वाला है, आपको अंदर कोई भी गर्मी नहीं लगने वाली है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्टीलवर्ड ने अपनी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव करी है इन टर्म्स ऑफ हेलमेट्स, और प्रीमियम फील है बिल्कुल हेलमेट की। कहीं से भी मुझे ऐसा कोई पॉइंट या ऐसा कुछ नहीं दिखा इसमें कि मैं कुछ इसकी बुराई निकाल सकूँ। तो चलिए अब इसको हम पहन के देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये थर्ड वाइज़र उतारना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये इस तरह से, तो गाइस ये जो साइज़ है लार्ज साइज़ है हेलमेट का, मैं आपको बता देता हूँ।
एक नए हेलमेट की जो अंदर एक खुशबू होती है, क्या बताऊँ उसके बारे में। ये हमारा हेलमेट जो है लॉक हो चुका है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, ये मेरा जो वाइज़र है टिंटेड वाला, अच्छी क्वालिटी है। सबसे बड़ी जो इसकी खासियत है कि ये बिल्कुल नीचे तक बंद होता है। जो दूसरे कुछ हेलमेट्स हैं उनमें हल्का सा उठा रहता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ से डबल शेड दिखती है, लेकिन ये बिल्कुल नीचे तक आसानी से बंद हो रहा है। और ये बंद होने के बाद ये आपका मेन वाइज़र आ गया। तो एक बार ये आप ये फ्रंट लुक देख सकते हैं इसकी, ये साइड प्रोफाइल, और एक बारी मैं बैक लुक दिखा देता हूँ। थोड़ा पास से देख लीजिए, तो गाइस ये कुछ इसका लुक था। ये नीचे आप देख सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे ये चिन कर्टन टाइप में दिया है, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे जो मोटो व्लॉगर्स हैं वो माइक लगाते हैं, तो यहाँ से काफ़ी विंड जाती है आपके माइक्रोफोन में, जिससे विंड नॉइज़ बहुत आता है, तो ये उसमें भी बहुत आपको फ़ायदा देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने नोज़ प्रोटेक्टर दिया है, कि अगर ओपन भी है तो अगर कुछ आपने ग्लासेस ओपन रखे हैं, कुछ लगता भी है तो आपके इस पे नोज़ पे रहेगा। लेकिन एडवाइस यही करूँगा, कभी भी आप हाईवे पे चलाते हो, रोड्स पे चलाते हो, तो अपना हमेशा वाइज़र बंद रखें, जिसके लिए आपको अपने हेलमेट के जो ये ग्लास हैं इनकी भी केयर करने की ज़रूरत रहती है। इनको कभी भी डायरेक्ट सूखा कपड़ा ना मारिए। बाकी मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा कि हेलमेट की किस तरह से अपनी केयरिंग कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट गाइज बहुत अच्छा हेलमेट है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्टील बर्ड ने अपनी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव करी है। तो इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। और इस हेलमेट के प्राइस की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं मैंने इसका प्राइस देखा था, मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ। तो ये इसका साइज़ है लार्ज साइज़, और इसकी MRP इसके ऊपर मेंशन है, ये आप देख पा रहे होंगे 2099। इसमें मॉडल नंबर SBH 40, और बस दैट्स इट। मेरी तरफ से बहुत अच्छा हेलमेट है गाइस। जिनको ये लुक पसंद है इसमें ले सकते हैं सेम कलर में, मुझे ये कलर अच्छा लगा था। इसके अलावा इसमें 4 कलर और हैं, जो कि मैं आपकी अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उनकी फ़ोटोज़ मैं अटैच कर दूंगा। उसके साथ साथ इसकी इस हेलमेट की कुछ क्लोजअप फ़ोटोज़ कह लो तो वो भी मैं साथ में अटैच कर दूंगा, और साथ में लिंक तो आपको नीचे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इस हेलमेट को चेकआउट कर सकते हो। तो बहुत अच्छा हेलमेट है और लाइट वेट है। फीचर्स मैंने आपको बता दिए, प्राइस इसका बता दिया, तो जल्दी से जाइए लिंक पर क्लिक करिए और हेलमेट को परचेज़ करिए। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में इसी हेलमेट के ऊपर जो मैंने आपसे बात करी है, कि इसके ऊपर हम चेन माउंट लगा के आपको दिखाएंगे किस तरह से आप अपना GoPro इस पर माउंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चाय ठंडी होगी यार।